फोन मिला है, पर पहले मैं ये जो टाइटल है उसके बारे में जानना चाहूंगा कि ये टाइटल अगर आपके मन में आता है कभी वर्ड, तो क्या फीलिंग होती है पहले? दिल चढ़ता और किस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं? जितने भी घंटे हुए, काफी कम आज में अच्छे व्यूज आ चुके हैं, किस तरह के रिस्पॉन्स आपको मिल रहे हैं? आपसे शुरुआत करूंगा, आपको किस तरह के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं फैंस से, लोगों से? पटाखे फूटने चालू हो चुके हैं प्रतीक भाई। प्रतीक भाई, यू आर तो हिट मशीन। कोई भी गाने हो, OTT हो, या फिर कोई भी शो हो, नागिन हो या फिर खतरों के खिलाड़ी, सब में आप टॉप हो। इस गाने को लेके किस तरह के रिस्पॉन्स मिले? भाई गाना बहुत अच्छा है एंड अमूल्य को देख के एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल कॉलेज का स्टोरी दिखाई है, कुछ भी तो कॉलेज है, भी कॉलेज की और लगती भी कॉलेज की है, बहुत फ्रेश है एकदम। नागिन में शी इज वेरी लाइक इन्फ्लुएंसर है, बहुत इन्फ्लुएंशियल भी है, बहुत इन्फ्लुएंसर है ये, बहुत अच्छी फॉलोइंग है। बट उनको वीडियो में देख के लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, आई बिलीव एक्चुअली वेरी क्यूट, राइट? दैट्स व्हाट, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। एंड मेरे साथ मुझे लगता है मैं भी शायद थोड़ा अच्छा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, इन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है गाना इसलिए। सर, लव बड़ा होता है या फ्रेंडशिप बड़ी होती है? भाई फ्रेंडशिप तब बड़ी होती है जब फ्रेंडशिप में लव होता है, तो लव तो होना जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो माँ बेटी का रिश्ता हो, बाप भाई बाप बेटी का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, बहन भाई का रिश्ता हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, प्यार होना बहुत जरूरी है। अमूल्य जी, कॉलेज रोमांस हमने देखा, कुछ फेयरवेल पार्टी जैसा भी था स्टार्टिंग में, कितनी यादें था एंड में था फेयरवेल पार्टी, तो क्या बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग में वो ऐसे प्रिपरेशन था, मैंने देखा भाई, लुक्स देखा है भाई, स्टार्टिंग में था ना फेयरवेल पार्टी का वो बैनर, प्रिपरेशन वो भी देखा है? नहीं नहीं भाई, देखा है मैंने। कितनी यादें ताजा हुई कॉलेज रोमांस की, कॉलेज में तो हर एक की तो यादें चल रही है भाई, ताजा तो मेरी हुई है। यस यस, कोई ऐसी बात है जो कॉलेज की, कॉलेज रोमांस की? कॉलेज की यादें से ताजा नहीं हुई है, मैं खुद अभी कॉलेज की, और फेयरवेल तो मेरे दिल पे छुपा है ना, मुझे स्कूल में मिला था बिकॉज लॉकडाउन हो गया, ना मुझे फ्रेशर पार्टी मिली है, जो फेयरवेल था मेरा सब याद आ गया पूरा। कोई ऐसी बात है जो बताना चाहोगे? वो बता दी ना अगर, तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी भाई यहाँ से, रास्ते में बताऊंगा नहीं। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप दोनों से, आपसे शुरुआत करूंगा कि किस तरह की एंजॉयमेंट थी, कोई ऐसी मूवमेंट ऑन द सेट जो आप शेयर करने जाओगे? प्रतीक के हमारे हम काफी पता है, प्रतीक काफी यादें ताजा करते हैं सेट। कॉलेज में जाकर कॉलेज के सभी बच्चों से मैं मिली ना, उसे बहुत बहुत सारे थे, वो लोग हॉस्टल से मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड सबसे बुरी बात मेरी और प्यारी बात उनकी ये लगी कि जब मैं अंदर मैनेजर में रेडी हो रही थी, तो दे वर वेटिंग आउटसाइड फॉर ऑलमोस्ट 1 घंटा, तो किया होगा वेट कि नहीं हम जाएंगे अब, बट मैं रेडी हो रही थी, मैं जा नहीं सकती थी बाहर, तो ये बात मेरे को मेरी बुरी लगी, उनकी बहुत क्यूट लगी, बट वैसे सबसे मिलकर बहुत। सपोज अगर वो शूट के कॉलेज में हो रहा था, उनके पेपर चल रहे थे और पेपर के बीच में टीचर बुलाने आ जाती शूट के बीच में, तो जब पेपर देने आओ पहले फिर शूट करता था, अलग अलग सिनेरियो। अरे ये पर्टिकुलर कॉलेज में शूट हुई या फिर इट वाज सेट? कॉलेज में ही शूट हुआ, लाइव लोकेशन थी, बच्चे भी घूम रहे थे अंदर सारे, सब कुछ थे, फूड वगैरह एवरीथिंग, और बहुत मजा आ रहा था। प्रतीक आपसे एक सवाल रहेगा कि हाउ डू यू मैनेज, क्योंकि आप इस बार काफी कुछ कर रहे हो, नागिन की भी शूट है, खतरों के खिलाड़ी भी चल रहा है, एंड देयर आर सॉन्ग्स आल्सो, कोई सॉन्ग और आने वाला है हमें पता है, तो किस तरह हाउ डू यू मैनेज योर वर्कलोड? भाई बस टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि अब एक इंसान बहुत सारी जगह पे हो चुका है, तो मैं अभी साउथ अफ्रीका में भी हूँ, मैं गाना भी शूट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे भी हूँ,
मजाक कर रहा हूँ, एक्चुअली पता क्या हुआ कि खतरों के खिलाड़ी की शूट तो पहले खत्म हो गई, उसको तो आई थिंक 2 महीने हो गए खत्म हुए हुए। एंड ये जो सॉन्ग मैंने शूट किया है ये नागिन से पहले था, अभी नागिन की शूट चल रही है, उसके बीच में दिन एक दिन का भी टाइम मिलता है तो मैं कोई भी कुछ ना कुछ शूट कर लेता हूँ ताकि वो पूरा हो जाए। जैसे आज मेरे को टाइम मिला है अभी जैसे कुछ घंटों का, तो मैं ये पूरा करके फिर मेरे को यू नो ऐसे अब यही होता है फिर ऐसे करना पड़ता है यार बस। लेकिन शुक्र है यार इसी लाइफ के लिए हमेशा यू नो भगवान के आगे हाथ जोड़े हैं और आई एम वेरी थैंकफुल। यस आप कुछ बताना चाहोगे, आपने देखा इनका बिग बॉस की जर्नी, खतरों की जर्नी देखा, और क्या आपने देखा सबसे अच्छी बात क्या लगती है प्रतीक एज एन एक्टर, एज एन एक्टर, एज एन को स्टार, सबसे अच्छी बात क्या लगती है? इज वेरी हार्ड वर्किंग, अपने काम के लिए बहुत डिवोशन, अब सब अपना काम है बहुत डिवोशन से करते हैं, तो वो चीज मुझे इसके अच्छी लगी और पॉइंट पिक करना चाहूंगी कि अपनी लाइफ में। एंड प्रतीक नागिन शुरू हो चुका है, काफी ज्यादा प्यार मिलता है, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में नागिन में, आपका एक्सपेक्टेशन था कि आप नागिन में काम करोगे? तेजस्वी ऑलरेडी थी, आपकी और तेजस्वी की जो पेयरिंग लग रही है काफी लोगों को पसंद आ रही है, उस पेयरिंग के बारे में क्या कहना चाहोगे बिग बॉस से? वो यार मुझे पता क्या लगता है कि जो चीजें होने के चांसेस कम होते हैं ना उसको देखने के लिए लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो इस चीज के चांस बहुत कम है कि ऐसा कभी हो सकता है, और वो हो गया तो वो देखने में लोगों को मजा आ रहा है आई एम श्योर। एंड सब हार्ड वर्क करते हैं यार, एंड गाना हमारा बहुत अच्छा दिन चढ़ रहा है और सुपर हिट हो रहा है और सुपर हिट करते हैं। एंड प्रतीक मैं जानना चाहूंगा जब नागिन की शूटिंग हुई तो तेजस्वी जी से पहली मुलाकात में क्या उन्होंने कुछ बताया आपको? ये बिग बॉस में भी हमने देखा था काफी अच्छी आप दोनों की पेयरिंग थी, आप लोग दोनों फाइट करते थे, ऊपर नीचे होते रहते हैं, इट्स नॉर्मल, इट्स अ पार्ट, कुछ बताना चाहोगे? यार वो घर ही ऐसा है कि वहाँ पे अगर आप और ना भी जाएंगे ना तो भाई ऐसा हो सकता है कि आज लड़ लें और कल हम साथ में खाना भी खाएंगे, ऐसी बात नहीं है, खाएंगे डीजे भाई साहब को तो भाई ऐसा होगा कि हम साथ में बैठ के खाएंगे भी लड़ेंगे भी फिर दोबारा खाएंगे फिर दोबारा लड़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो घर थोड़ा ऐसा है कि वहाँ पे हो जाता है एंड इट्स नॉर्मल। बाकी हम लोग काम करें साथ में और बहुत मजा आता है काम करने में, मैं मुझे बहुत मजा आता है काम करने में, कैमरा के आगे मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं अभी बैठा हूँ एंड आई जस्ट लव टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। एंड प्रतीक मार्केट में काफी सारी चर्चा चल रही है कि करण कुंद्रा एंड प्रतीक आर गोइंग टू मैरी, आपको कुछ उसके बारे में? तेजस्वी अरे हेडलाइन बना रही है लेकिन भाई सॉरी सॉरी तेजस्वी एंड करण आर गोइंग टू मैरी, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस लाइन पे कुछ कहना है? मैं बस इतना बोलूंगा मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, खुश रहे सब, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे, और बस कुछ लास्टली दो सवाल पूछूंगा गाने को लेके, एक छोटा सा मैसेज और आप दोनों के आने वाले प्रोजेक्ट हमें आपके पता है, बट आपसे जानना चाहूंगा फिर से आप प्रतीक के साथ कब नजर आओगे? तो काम भी नहीं करता था यार, काम के बिना भी मिल सकते ऐसी बात नहीं है, जरूरी नहीं, और अभी आपका ब्लॉग कितनी देर में अपलोड होगा? थोड़ी देर में ना, बस तब नजर आएंगे नजर आएंगे, आधे घंटे पौने घंटे बाद सीधा। एंड लास्टली फैंस को क्या कहना चाहोगे? तो मैं इतना बोलूंगा कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव ऑल द सपोर्ट, एंड मतलब दिल्ली से एक लड़का आया था भाई, पूरे बम्बई में पूरे भारत में बवाल मचा दिया तुम लोगों ने मिलकर ना, प्रतीक शाम थैंक यू सो मच एंड टीम मूल्य, ये छोटा पैकेट नहीं है ये बड़ा धमाका है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।